तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के आने वाले जितने भी नए वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक स्वतः ही पहुंच जाएगा। कुछ मित्रों ने सब्सक्राइब तो किया है और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को प्रेस करना भूल गए हैं, जिसकी वजह से उन तक नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से आपको सब्सक्राइब करना है और किस तरह से आपको बेल आइकन प्रेस करना है। सब्सक्राइब एक ही बार करना है और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो सिर्फ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। देखिए, ये हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इसके बाद ये पास में घंटी आपको दिखाई दे रही है, बेल दिखाई दे रही है, इसको एक बार और प्रेस कर दीजिए। ये इस तरह से फिर आपको लिखा आ जाएगा, यू विल रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस। तो इस तरह से आप जो है हमारे सारे वीडियोस तक पहुंच पाएंगे, जो नए वीडियो आएंगे वो आप तक स्वतः पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, ये प्रोसीजर है सब्सक्राइब करने का, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, और इस स्टोरी का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप अगर ज़िंदगी में किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आपके अपने जीवन पे पड़ता है, ये एक सारभूत बात मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप चाहें तो इसको एक बार आज़मा करके देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात में दम है तो आप इसको प्रैक्टिकली फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को कोई नए अंजाम तक पहुंचा दे, नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, कुछ नया कर दे आपके जीवन में, आपके जीवन में कुछ ऐसा उजाला कर दे कि आप कहीं ज़्यादा तरक्की कर बैठें, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी आपके जीवन के लिए। मुझे किसी ने ये कहानी सुनाई थी और मुझे बहुत पसंद आई, तो मुझे लगा कि ये आप तक क्यों नहीं पहुंचाई मैंने, तो मुझे कहीं से कहीं लगा कि मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए, तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पसंद आए तो शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। हम क्रिएटर्स का सबसे बड़ा इनाम यही होता है कि आप उसको लाइक करते हैं और हमारे किसी वीडियो को आप शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके जीवन में कोई चीज़ नेगेटिव कैसे बनती है और उसको पॉजिटिव कैसे बनाई जा सकती है। फ्रेंड्स, कई बार ये होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, हमें हमेशा उसके अंदर बुराइयाँ दिखाई देती हैं, हमें उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ खामियाँ दिखाई देती हैं। एक स्थिति ये आती है, हम उस आदमी की शक्ल तक से नफ़रत करने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमको ऐसा लगता है कि अगर मुझे एक खून माफ़ हो जाए तो सबसे पहले मैं इस आदमी का खून कर दूँ। इस तरह के विचार, कई बार नेगेटिव विचार जिनको कहते हैं, वो आपके दिल और दिमाग दोनों में घर कर लेते हैं। तो अब मैं आपको इसके लिए एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, और वो स्टोरी मैंने किसी से सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई। तो चलिए अब हम आगे अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, एक राजा था, जिस देश में वो राज करता था वहाँ राजा कभी कभार अपने हाथी पर सवार होकर के निकलता था, और वो हाथी पर सवार होकर के जब जाता था तो जनता उसका अभिवादन करती थी, राजा को फूल मालाएं पहनाती थी और पूरी जनता खुश होती थी। उसी राज में एक चंदन का व्यापारी भी रहता था, जो बहुत बड़ा व्यापारी था चंदन का, और उसके मन में हमेशा जब भी राजा निकलता था तो उसके बारे में ये आता था कि हे ईश्वर, हे प्रभु, ये राजा जल्दी से मर जाए, जब ये राजा मरेगा तो मुझे मेरी चंदन की लकड़ी बेचने का मौका मिलेगा, क्योंकि राजा का शव हमेशा चंदन की लकड़ियों से ही जलाया जाता है। इसलिए मेरी इस राज के अंदर और कोई आदमी तो लकड़ियाँ ख़रीदता नहीं है, तो राजा अगर ये लकड़ियाँ मर जाएगा तो मेरी लकड़ियाँ पूरी की पूरी
जो है बिकेंगी और मुझे बहुत सारी आमदनी होगी। राजा जब वहाँ से निकलता था तो राजा का जब पूरा का पूरा जुलूस राजा हाथी पे सवार हुआ करता था और जब वहाँ से निकलता था तो उस चंदन के व्यापारी की तरफ राजा की नज़र जाती थी। राजा की नज़र जब उस चंदन के व्यापारी की तरफ जाती थी तो राजा ये सोचता था कि ये आदमी कभी भी किसी भी गुनाह में फंस करके मेरे पास आए और मैं इसको फांसी पर लटकाऊं, ये मेरी तमन्ना है। क्योंकि पता नहीं क्यों राजा को देख करके, राजा उसको देखता था और राजा को गुस्सा आता था। एक दिन राजा से रहा नहीं गया तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी मैं जब भी इस चंदन के व्यापारी को देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है और मुझे ऐसा लगता है मैं इसको सूली पर चढ़ा दूँ, इसको किसी भी अपराध में मेरे पास लेकर के आओ, मैं इसको सूली पर चढ़ाऊँगा। मंत्री ने कहा कि राजा आप तो बहुत दयालु हैं, आपने आज तक कि कभी भी प्रजा का नुकसान नहीं किया है, ऐसी स्थिति में आपको आपके दिल में ये ख्याल क्यों आता है? राजा बोला कि भाई पता नहीं क्यों इस आदमी को मैं देखता हूँ और मेरे मन में ऐसा ही ख्याल आ जाता है, बल्कि मेरी उसकी कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों आ जाता है। तो मंत्री गया और चंदन के व्यापारी के पास पहुँचा। मंत्री ने अपना भेष बदला, भेष बदलने के बाद मंत्री ये बात जानने के लिए पहुँचा कि राजा के मन में ये नकारात्मक विचार उस व्यक्ति को लेकर के क्यों आते हैं। जब मंत्री वहाँ पहुँचा चंदन के व्यापारी के पास और उसने व्यापारी से कहा तुम्हारा चंदन तो बहुत अच्छा है, मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए, उसने उसकी कुछ लकड़ियाँ पसंद की चंदन की, उस पर कई प्रकार के चंदन थे, उसने बहुत अलग अलग खुशबुओं वाले चंदन की लकड़ियाँ उसको मंत्री को दे दी। मंत्री ने को वो पहचान नहीं सका क्योंकि मंत्री भेष बदल के गया था। मंत्री ने पूछा इस देश का राजा कैसा है, तो उसने बोला बस साहब राजा का मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं जैसे ही राजा मरेगा वैसी मेरी पूरी सारी लकड़ी बिक जाएगी और मैं धनी हो जाऊँगा। मंत्री ने उससे कहा कि वो राजा ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, राजा ने तुमसे कभी कुछ ऐसा कुछ नुकसान किया है जो तुम इस तरह की बातें राजा के बारे में सोच रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरे को राजा से ना तो कोई भलाई है ना कोई बुराई है, पता नहीं क्यों बस मेरे मन में यही ख्याल आता है राजा जिस दिन मर जाएगा मेरी चंदन की सारी लकड़ियाँ बिक जाएंगी। मंत्री समझ गया कि जड़ यही है, यह आदमी राजा के बारे में गलत सोचता है जिसकी वजह से राजा के मन में नकारात्मक विचार आते हैं। मित्रों नकारात्मक एनर्जी जो है वो इस तरह से ही ट्रांसफॉर्म होती है, यानी इसी तरह से ट्रांसफ़र होती है। जब भी हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं यानी गलत या नकारात्मक सोचते हैं तो ये जब ट्रांसफॉर्म होगा सामने वाले तक वो चीज़ पहुंचती है तो वो भी नेगेटिव हो जाता है, भले ही पॉजिटिव हो तो भी उसके विचार नकारात्मक हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ राजा के साथ हो रहा था। मंत्री इस बात को समझ गया, मंत्री ने उस व्यक्ति से लकड़ियाँ खरीदी, अपना परिचय नहीं दिया और लकड़ियाँ लेकर के सीधा सीधा वो राजमहल पहुंचा और राजमहल जा करके उसने सारी लकड़ियाँ टुकड़ों में महल के चारों ओर कोनों में बिछा दी। राजा शाम के समय जब शिकार करके लौटा तो राजा ने देखा चंदन की खुशबू सब तरफ से थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। राजा बहुत खुश हुआ, राजा ने मंत्री को बुलाया, राजा ने पूछा मंत्री से कि यार आज महल में ऐसी खुशबू क्यों आ रही है, क्या बात है, आज ऐसी क्या खास बात है? मंत्री ने कहा कि महाराज जिस चंदन के व्यापारी को देख करके आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उस चंदन के व्यापारी ने आपको कुछ भेंट भेजी है और वो भेंट यही है, चंदन की लकड़ियाँ हैं जिन्हें मैंने जगह जगह रख दिया है जिसकी वजह से महल के अंदर चारों तरफ से खुशबू आ रही है। राजा की नकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव हो गई उस खुशबू को सूंघने के बाद, जब उनको बहुत अच्छा लगा, राजा की सारी थकान मिट गई। राजा ने कहा यार इतना अच्छा व्यापारी हमारे यहाँ रहता है और हम उसके बारे में इतना बुरा ख्याल रखते हैं। राजा ने मंत्री को बोला कि कल सुबह तुम जाओ और उसके यहाँ जितनी भी किस्म है चंदन की वो सब खरीद करके लाओ और उसको यथाउचित इनाम भी दे करके आना। मंत्री व्यापारी के पास पहुँचा,
और उसको अपना परिचय दिया कि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ, मुझे राजा ने आपके पास भेजा है और आप अपनी चंदन की लकड़ियाँ हमको बताइए, कितनी किस्मों की लकड़ियाँ आपके पास हैं। व्यापारी ये बात सुनकर के हक्का बक्का रह गया। व्यापारी ने कहा, जिस राजा के बारे में मैं इतना गलत सोचता हूँ, वो राजा कितना अच्छा है, मेरे बारे में कितना सोचता है, मेरे यहाँ से चंदन की लकड़ी मंगा रहा है। उसने लकड़ी दे दी, कई किस्म की लकड़ियाँ दीं और बोले, राजा को मेरी तरफ से उपहार स्वरूप कुछ और लकड़ी ले जाओ। मंत्री ने भी उसको भेंट स्वरूप बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दीं, बोले, राजा ने तुम्हारे लिए भेजी हैं। इधर वो व्यापारी पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया, उसकी सोच पॉजिटिव हो गई। उसने कहा कि राजा हमारे देश का इतना अच्छा है और मैं उसके बारे में कितनी बुरी बातें सोचता था, मुझे ऊपर वाला क्षमा करे। उसने माफ़ी मांगी अपने सोच के लिए, अपने विचार के लिए। फिर राजा दोबारा से नगर भ्रमण पे निकला, उसकी सवारी निकली, जुलूस निकला। फिर व्यापारी की नज़रों से राजा की नज़रें टकराईं। उसके बाद राजा ने सोचा, कितना अच्छा व्यापारी हमारे शहर में, हमारे देश में है, कितनी किस्म की चंदन रखता है, ये तो हमारे देश का बहुत ही अच्छा व्यापारी है और ये तारीफ़ के काबिल हैं, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग रहते हैं, हमें फ़ख्र है इस पर। और उस तरफ से उस व्यापारी ने सोचा, ऐसा कीर्तिमान राजा सभी प्रजा को मिले, सभी देशों में ऐसे ही राजा हों जो सबके बारे में सोचते हों। फिर राजा अपने राजमहल में गया। मंत्री ने पूछा, क्यों महाराज, आज आपने उस व्यापारी को देखा तो आपको क्या महसूस हुआ? राजा ने कहा, आज मुझे उस व्यापारी को देखकर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं इसको फांसी पर चढ़ा दूँ। फिर मंत्री उस व्यापारी के पास पहुँचा, बोले, आप राजा के सामने से जब राजा आपके सामने से निकलते हैं तो आपको कैसा लगता है? बोले, साहब, इससे पहले तो मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता था कि ये राजा मर जाए और मेरी सारी की सारी चंदन की लकड़ी बिक जाए, लेकिन आज मैंने राजा को बहुत सारी दुआएं दी कि ऐसा राजा तो युगों युगों तक जीवित रहे और ऐसा राजा हर देश की प्रजा को मिले। तो मित्रों, इस कहानी का सिर्फ मोटिव इतना सा था, आप किसी के बारे में अगर नेगेटिव धारणाएँ रखते हैं तो वो चाहकर भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, और अगर आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो वो व्यक्ति चाहकर भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए किसी भी व्यक्ति के प्रति। संबंध खराब होते 2 मिनट लगते हैं, बनाने में सालों बरसों लग जाते हैं, यानी बरसों में कमाए हुए संबंध हम कुछ सेकंडों में ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा, पॉजिटिव रहिए, थिंक पॉजिटिव। कहानी पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।